أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں چائنیز کباب ریسپی اس کے لیے میں نے لیے ہیں ہرا دھنیا پودینہ اور پیاز اس کو میں نے باریک چاپ کر لیا ہے इसी के साथ मैंने आलू लिए हैं उसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें से आधे आलू मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसके साथ मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्चें भी पीस लूँगी। पीसने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने आलू ब्लेंड कर लिए हैं, आप चाहें तो हाथ से भी पीस सकते हैं इसे। इसी के साथ मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी वन बाय वन। ये पहले मैंने ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, फिर इसी के साथ मैंने ये तीन से चार पीस डबल रोटी के लिए हैं, इसको भी मुझे ब्लेंड कर लेना है। मटर ली है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है। डबल रोटी के पीस मैंने ब्लेंड कर लिए हैं, अब ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घर का नमक। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये मैंने लिया है चाइनीज़ नमक, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसी के साथ मैंने लिया है ज़ीरा एक चम्मच। दो चम्मच मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूंगी। एक चम्मच पिसी लाल मिर्च। ये मैंने चिकन ली है, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है और इसके बारीक रेशे कर लिए हैं, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मटर मैंने स्किप कर दी है, इसके अंदर ऐड कर दी है लेकिन मैंने वीडियो शूट नहीं कर सकी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और इसके आधे कबाब मैंने बना लिए हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर और अंडा यूज़ किया है। कबाब बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।